नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिला पंचायत में छठवें अध्यक्ष का निर्वाचन होने जा रहा है। संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। यदि बन भी गया तो यह कांग्रेस के लिए हर्ष का विषय होगा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना। यदि पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य सीट होने के बाद भी रायगांव के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू पहले अध्यक्ष बने। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस का जलजला था, लेकिन कांग्रेस के इतने सदस्य जीत कर नहीं आए थे कि वे अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बना लेते। भारतीय जनता पार्टी भी इस हालत में नहीं थी कि वह अपना जिला अध्यक्ष बना लेती। थक हार कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस को हराने के लिए धीरेन्द्र सिंह धीरू को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि धीरेन्द्र सिंह धीरू का कार्यकाल काफी विवादित रहा। वे अपने नवाचारों और अनोखी कार्यशैली के चलते पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने रहते थे। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के बाद धीरेन्द्र सिंह धीरू को कभी भी उनकी हैसियत और क्षमता के मुताबिक आज तक कोई दूसरा पद नहीं मिला। उसके पीछे की मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने कभी राष्ट्रीय दलों के साथ अपने आप को जोड़कर राजनीति नहीं की। वह हमेशा कुछ अलग करने की फितरत में रहे, जिसके चलते आज तक वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए। दूसरे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में गणेश सिंह निर्वाचित हुए, जो वर्तमान में सांसद हैं। उस समय भी प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेसियों की भी स्थिति उस समय भी यह नहीं थी कि वे अपना जिला अध्यक्ष बना पाते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी गणेश सिंह का समर्थन किया और उन्हें जिला पंचायत का दूसरा अध्यक्ष बना दिया। कहने का अभिप्राय साफ है कि दूसरा जिला पंचायत का अध्यक्ष भी कांग्रेस का नहीं बना। जब गणेश सिंह सांसद निर्वाचित हो गए तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते सुरेंद्र सिंह गहरवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया। इसे संयोग ही कहा जाएगा। सुरेंद्र सिंह जिला पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष नहीं थे। गणेश सिंह के राजनैतिक कद का उत्थान यहीं से शुरू हुआ। जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के बाद गणेश सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सतना से लोकसभा टिकट मिली और बीते चार बार से लगातार वे भारतीय जनता पार्टी के सतना के सांसद हैं। जिला पंचायत की तीसरी अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता बनी। पुष्पा गुप्ता ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई। पुष्पा गुप्ता उमाचरण गुप्ता की पत्नी एवं शिवा गुप्ता की माँ थी। कहने का अभिप्राय यहाँ भी बिल्कुल साफ है कि तीसरी बार भी जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं बना। चौथी बार जिला पंचायत के अध्यक्ष गगनेन्द्र प्रताप सिंह बने। गगनेन्द्र प्रताप सिंह राम प्रताप सिंह के पुत्र हैं, वो विधायक रह चुके हैं। यहाँ कांग्रेस के पास मौका था कि अपना जिला अध्यक्ष बना ले, लेकिन विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यह बात गगनेन्द्र सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने रातों रात भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चुनावी मुकाबले में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित तौर पर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। जब गगनेन्द्र सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष बने तब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार का दबदबा स्पष्ट दिखाई भी दे रहा था। उसी दबदबे के चलते गणेश सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रदेश के अंदर इस बात का श्रेय ले लिया कि मैंने पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार सिंह के बेटे को गगनेन्द्र सिंह के हाथों पराजित करा दिया। जिले के अंदर पहली बार यह महसूस हुआ कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी अपने आप में बड़े दमखम वाला चुनाव होता है। एक तरफ से गगनेन्द्र सिंह अपना दमखम लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से राजेंद्र सिंह। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आए थे तब तक लोग यही संभावना व्यक्त कर रहे थे कि राजेंद्र सिंह के सामने गगनेन्द्र सिंह कहीं नहीं टिकेंगे, लेकिन राजनीति के मैदान में गगनेन्द्र सिंह ने शानदार एंट्री की थी। पांचवी अध्यक्ष सांसद गणेश सिंह की बहू सुधा सिंह बनी। सियासत के मैदान में एक बार गणेश सिंह और सुखलाल कुशवाहा का अप्रत्यक्ष रूप से सीधा मुकाबला हुआ था। सुधा सिंह के विरुद्ध कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की पत्नी प्रीति कुशवाहा को मैदान में उतारा था। सीधे मुकाबले में सुधा सिंह ने प्रीति कुशवाहा को पराजित कर दिया। हालांकि यह संभावना पहले से ही दिख रही थी कि सुधा सिंह का जीतना तय है। पांचवा अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बना।
अब छठवें अध्यक्ष की बारी है। भारतीय जनता पार्टी से राम खेलावन कोल प्रत्याशी होंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कोई बड़ा भीतरघात नहीं किया तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि छठवां अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के बनने की संभावना है। छठवां अध्यक्ष निर्वाचित होगा, लेकिन अब तक बनने वाले अध्यक्ष आज तक कांग्रेस के नहीं बने, या यूं कहें कि आज तक जिला पंचायत का कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से नहीं बन पाया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।